हेलो स्टूडेंट्स, डाउट एट चैनल में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 13.1। प्रश्न संख्या 4 को करते हैं। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। एक घन है 7 सेंटीमीटर भुजा का, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? हमें पहले पार्ट में ये बताना है कि उस अर्धगोले का अधिक से अधिक व्यास क्या हो सकता है। यहाँ पर बच्चों, घन के ऊपर एक अर्धगोले को रखा गया है, तो अर्धगोले का जो आकार है वो उतना ही होगा जितना कि उसे घन का आकार है। घन की भुजा है 7 सेंटीमीटर, तो उसके ऊपर जो गोला रखा जाएगा उसका अधिकतम व्यास होगा उस घन की भुजा के बराबर, यानी अधिकतम व्यास गोले का हो सकता है 7 सेंटीमीटर। और इस प्रकार जो आकृति बनेगी, हमें उस पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ये बच्चों एक घन की आकृति है, इसकी भुजा दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। घन के अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती हैं? बराबर। तो यहाँ पर ये हो जाएगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ये भी, ये वाली भी और ये वाली भी, सब 7 सेंटीमीटर होंगी। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अब अर्धगोला यहाँ पे रखा हुआ है, इसके ऊपर हमें इस तरह से बना लेते हैं उसको। एक अर्धगोला है वो इसके ऊपर रखा हुआ है। आप इसको ये समझें कि ये इसके ऊपर यहाँ पर है, आकृति में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर है, लेकिन ये अर्धगोला होता है वो आपको पता है कि गोल होता है, तो वो इसके ऊपर है। ये जो पृष्ठ दिखाई दे रहा है हमें ऊपर का, इस पृष्ठ के ऊपर वो रखा गया है अर्धगोला। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि उस गोले का व्यास कितना हो सकता है अधिकतम, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। इस गोले का जो व्यास है वो यहाँ से लेकर के कहाँ तक है? यहाँ तक। छोटा हम ले नहीं सकते, अधिकतम बताना हमें। तो ये हमारे पास भुजा कितनी है? ये घन की भुजा हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। तो इस गोले का अधिकतम व्यास भी क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में हम ये लिखेंगे, अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर होगा 7 सेंटीमीटर। अब हमें ये बताना है कि ये जो आकृति बनेगी, ये ठोस बनेगा, इसका पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा? इसको हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो बच्चों इसको इस तरह से समझो, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ इसको। ऊपर का जो फलक है ये वाला सा बना लेता हूँ मैं, सिर्फ यहाँ पर समझाने के लिए। ये है ऊपर का ये वाला एरिया, ये इसके ऊपर गोला रखा गया है, गोला अर्ध गोला है। इसके ऊपर रखेंगे हम तो ये कुछ इसके भाग को ढक लेगा और कुछ भाग है वो साइडों में बच जाएगा। तो बच्चों यहाँ से इस पूरे ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा, समझना इसको, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा घन का क्षेत्रफल जमा, इस पूरे घन का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, जमा इस अर्धगोले का क्षेत्रफल, क्योंकि इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। इस पृष्ठ को भी हमें लेना है साथ में, पूरे का बताना है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब देखिए इसमें से हमें घटाएंगे, क्या घटेगा? हमने इस पूरे घन का क्षेत्रफल लिया है तो पूरे घन के अंदर ये भाग है, पूरा भाग आएगा, और फिर लिया हमने अर्धगोले का, अब अर्धगोले का भी आएगा। तो ये जो कुछ भाग है जो इस गोले ने, अर्धगोले ने ढक रखा है, ये भाग दो बार आ गया हमारे पास। एक बार तो आ गया इस पूरे घन के अंदर, और एक बार ले लिया हमने अर्धगोले का। इस भाग में, जिस भाग को इस अर्धगोले ने ढक रखा है, वो भाग हमारे पास दो बार आ गया, तो हमें घटाना पड़ेगा। क्या घटेगा इसके अंदर से? वो भाग जो उस अर्धगोले से ढका हुआ है, अर्धगोला होता है उसका जो भाग होता है वो होता है वृत्ताकार। तो जो भाग इससे ढका हुआ है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि हमारा अर्धगोला होता है इस टाइप का, ये तो ये जो भाग है, ये जो वृत्ताकार भाग है, ये उसके ऊपर टिका हुआ है घन के ऊपर, तो ये भाग घटाना पड़ेगा हमें। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × 2 जमा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 πr² जम घटा घटा आएगा ये वृत्त का क्षेत्रफल,
पाई आर स्क्वेयर, 6 गुणा ए। ए हमारे पास क्या हो जाए, ए हमारे पास है इस घन की भुजा 7 सेंटीमीटर, जमा 2 पाई आर स्क्वेयर में से कट जाएगा पाई आर स्क्वेयर, तो 1 पाई आर स्क्वेयर बचेगा यहाँ पर, पाई आर स्क्वेयर। पाई आर हमारे पास है, त्रिज्या कितनी होगी देखो यहाँ से, ये अर्धगोला है इसके ऊपर, इस अर्धगोले का व्यास है 7 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी 7/2, 7/2 इसका वर्ग। इस क्वेश्चन का बच्चों देखो मैं दोबारा से कर देता हूँ आगे इसको, 6 a की 2 जमा 2 पाई आर स्क्वेयर घटा पाई आर स्क्वेयर, यहाँ पर पाई आर स्क्वेयर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, घटेगा तो हमारे पास बचेगा 1 पाई आर स्क्वेयर, तो वही किया मैंने, 6 गुणा a हमारे पास है 7 जमा पाई आर स्क्वेयर 22/7 गुणा आर, आर यहाँ पर त्रिज्या है इस अर्धगोले की 7/2, क्योंकि अर्धगोले का व्यास हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी 7/2 सेंटीमीटर। हल करेंगे इसको, 6 गुणा 7 का वर्ग 49 जमा 22/7 गुणा 7/2 का वर्ग है, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये काट देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 6 गुणा 49 हो जाएगा 294 जमा, इसको हल करेंगे हमारे पास आएगा ऊपर 11 गुणा 7 77/2, 2 लघुत्तम लेंगे 588 जमा 77, पे मिस्टेक कर दिया हमने, ये हमारे पास आएगा 665, 1365 की जगह आएगा 665, इसको 2 से भाग देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 332.5।